देंगे। बच्चों आज हम लोग फिल्म देखेंगे मिडिल क्लास। इसमें आज हम लोग फिल्म देखेंगे जो देखे थे आगे उसके आगे का देखेंगे, जहां तक हमने देख लिया था उसके बाद का हम लोग देखेंगे। चल रहा है रेखाओं का पीछे, रेखाओं के पक्षे। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस ये हम लोग देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे रेखाओं की विभिन्न स्थितियां। इसमें कहने थी रेखाओं की विभिन्न स्थितियां रेखाओं की विभिन्न स्थितियां ये हेडिंग था। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे रेखा एक संदर्भ तल के समांतर और दूसरे के लंबवत, देख रहे थे कि यह हेडिंग था। इसके अंतर्गत था रेखा एक संदर्भ तल के समांतर रेखा एक संदर्भ तल के समांतर एक संदर्भ तल के समांतर व दूसरे के लंबवत दूसरे के लंबवत, इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले हम यह जानते हैं कि किसी भी तल में कोई लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी ड्राइंग कैसे बनती है ये हम लोग देखते हैं। इसमें भी हम लोगों ने कुछ कर चुके थे। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि किसी भी निर्देशांक में ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन होता है, क्या स्थितियां होती हैं। जब हम स्थितियां जान लेते हैं उसके बाद हमारी ड्राइंग बनती है। पहले हमें पोजीशन जानना होता है, उसकी स्थितियां जानना होता है। तो हमें देखना है रेखा एक संदर्भ तल के समांतर और दूसरे के लंबवत, एक संदर्भ तल के समांतर और दूसरे के लंबवत ये है। इसमें हम लोग देखना है पहले पोजीशन एक संदर्भ तल के समांतर और दूसरे के लंबवत। तो यह संदर्भ तल हमारा है, यह वर्टिकल प्लेन वीपी या हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी या वर्टिकल प्लेन वीपी या हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी। तो एक तल के समांतर मान लीजिए यह है एक तल के समांतर हो गया, एचपी के समांतर है और वीपी के भी समांतर है, लेकिन यहां हमको दिखाना है एक तल के समांतर। तो ये देखना है ये एचपी है, एचपी के समांतर हो गया है और वीपी यानी कि दूसरे तल के परपेंडिकुलर हो गया है। ये कंडीशन HP के समांतर और VP के परपेंडिकुलर यस हो रहा है। ये कंडीशन हम देख रहे हैं कि HP के परपेंडिकुलर हो रहा है और VP के समांतर हो रहा है, HP के परपेंडिकुलर हो रहा है और VP के समांतर हो रहा है, ये कंडीशन है।
अब इस कंडीशन में हमें यह देखना होता है कि किस तल से समांतर है, किस तल से परपेंडिकुलर है और कितने दूरी पे है, ये सब जानना होता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके में कि जब रेखा V से V दूरी तथा HP से लंबवत, इसमें है ये मानते हैं कि जब रेखा VP से V दूरी पर, जब रेखा VP से V दूरी पर, जब रेखा VP से V दूरी पर समांतर समांतर V दूरी पर समांतर तथा HP के लंबवत तथा HP के लंबवत हो, ठीक। इस कंडीशन में हमें दिखाना है। अभी तक तो इसके अंतर्गत ये था, इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इससे पहले जो हुआ था इसी के संदर्भ में हुआ था, इसके संदर्भ में आए थे जब दोनों के समांतर था, जब दोनों के समांतर था, दोनों तलों के HP और VP के समांतर था। अब आ गया है एक तल के समांतर और दूसरे से परपेंडिकुलर, एक तल के समांतर और दूसरे से ऊर्ध्वाधर, दूसरे से लंबवत, यह आ गया है। इसमें का भी एक हो चुका है। अब ये उसके बाद का ये है कि जब VP से V दूरी पर और समांतर तथा HP के लंबवत, HP के लंबवत, यहाँ एक ही और मान सकते हैं कि HP से भी x दूरी पे है, यहाँ HP से भी x दूरी पे होगा। क्वेश्चन मान सकते हैं HP, HP से h दूरी पर होगा, HP से भी h दूरी पर होगा। कैसे होगा इसे हमें देखना होगा। देखिए, समझिए पहले, जो ड्राइंग जिस पोजीशन में हमें यहाँ बनती है उसे को हमें यहाँ ड्रॉप कर देना होता है। तो देखिए, यह वर्टिकल प्लेन VP, यह हॉरिजॉन्टल प्लेन HP हो गया। जब जब रेखा VP से V दूरी पर, VP से यह VP है, VP से V दूरी पर तथा HP के लंबवत, अब यह कंडीशन इसमें हो रहा है कि VP में है और VP में समांतर भी है, तो ये कंडीशन हो रहा है, VP में भी है और VP के समांतर है और HP के लंबवत है, ये कंडीशन हो रहा है, ये कंडीशन आपका हो रहा है, ठीक। अब इसने कह रहा है VP से V दूरी पर, या VP है, VP से हम V दूरी पर भी कर दिए, VP से V दूरी पर कर दिए, V दूरी पर कर रहे हैं। अब देखिए, V दूरी पर कर रहे हैं तो HP में रहते हुए हो रहा है, इसे ऊपर भी कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है HP से भी h दूरी पर होकर के, HP से भी, या जो है अंडरस्टूड है HP से h दूरी पे, तो HP से भी h दूरी पर हो जा रहा है। तो यहाँ से V दूरी पर और कुछ दूरी पे HP से हो रहा है। और जब फ्रंट से हम जब देखेंगे तो ये पूरी फिगर हमें, ये पूरी लाइन फ्रंट व्यू बन जाएगा, दूसरे हैं A और B, ये बन जाएंगे, पूरी फिगर आ जाएगी इसमें। और टॉप से हम देखेंगे तो h दूरी पे, टॉप से जब हम देखेंगे तो h दूरी पे हमारा ये पूरा दिखाई देगा, पूरे h दूरी पे हमको ये पूरा दिखाई देगा, ये पूरी हमारी ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये बन रही है A और B h दूरी पे। लेकिन जब टॉप से हम देख रहे हैं तो टॉप से हम देख रहे हैं तो इससे b दूरी पे, यानी कि वर्टिकल प्लेन से b दूरी पे एक हमें पॉइंट प्राप्त हो रहा है, पॉइंट प्राप्त हो रहा है, ठीक। यहाँ पे पॉइंट प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है उसी को हमें ड्रा कर देना होता है, जो हमें मिल रहा है उसी को हमें ड्रा कर देना होता है, ठीक है। अगर इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से मान सकते हैं ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ये मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारी लाइन, ये हमारी ऑब्जेक्ट,
इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ए दूसरा सिरा बी, एक सिरा ए दूसरा सिरा बी। यह है काला इधर देखा बीपी से का वी दूरी पर समांतर है, यानी कि बीपी के समांतर है और एचपी के लंबवत है, एचपी के लंबवत है, बीपी के समांतर है, तो यह कंडीशन होगा। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे हमें बीपी में वर्टिकल प्लेन में इसकी पूरी ट्रू लेंथ मिल रही है, इसलिए यह इसके समांतर है, बीपी के समांतर है और एचपी के परपेंडिकुलर लंबवत है, यह हो रहा है। अब कह रहा है कि वीपी से वी दूरी पे, वीपी से वी दूरी, पी से हमने वी दूरी पर कर दिया, वी दूरी पे कर दिया, वी दूरी पे करने पे हमें जो है अंडरस्टूड है कि एचपी से वी दूरी पे है, एचपी से वी एच दूरी पे है, तो ये क्या है कंडीशन हो रही है। अब जब फ्रंट से हम देखेंगे, फ्रंट से हम जब देखेंगे तो ये पूरी फिगर जितनी ऊंचाई के ऊपर से एच दूरी पे है ये यहाँ पे हमें दिखाई दे देगी, यहाँ पर दिखाई दे देगी, ये पूरी कंडीशन पूरी लाइन बन जाएगी, एक्स वाई से ऊपर एक्स वाई पूरी लाइन बन जाएगी और प्रोजेक्शन लाइन आ जाएगी एक्स पे जितनी दूरी है। और टॉप से देखेंगे वी दूरी पे, तो वी दूरी पे हमें ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये ऊपर का पॉइंट दिखाई देगा, एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा, वह यहाँ पे आ जाएगा। और लेकिन हम जानते हैं कि हमें पॉइंट ए पॉइंट बी है तो ऊपर हमें बी दिखाई देगा, लेकिन जानते हैं इसका सीधा ए भी है, तो यहाँ पे हमें ए और बी दो पॉइंट जो आ रहे हैं उसके नाम आ जाएंगे, तो यही हमें यहाँ पे ड्रा करना है। ठीक, पहले ड्रा कर देते हैं फिर एक बार समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो बनाएंगे हम यहाँ पे एक्स थोड़ा नीचे एक्स और ये हो गया वाई, एक्स वाई हो गया। अब जब हम फ्रंट से यहाँ देखे हैं, यहाँ से ये देखे हैं तो इसमें पूरी फिगर बन रही है, इसमें पूरी फिगर बन रही है क्योंकि यह कंडीशन हमारा हो रहा है बीपी के समांतर और एचपी के परपेंडिकुलर। तो जब फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे हमारी पूरी ड्रेस पूरी लाइन आ जा रही है, ए और बी की पूरी लाइन आ गई, ये ए और बी की हमारी पूरी लाइन आ गई। ठीक, लेकिन यहाँ से जब हम कुछ दूरी पे देख रहे थे एच से एच दूरी पे देख रहे थे तो एच दूरी भी था, एच दूरी पर भी था, तो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन हल्की प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, हल्की प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। ठीक, और फिर यहाँ से वी दूरी पर, वी दूरी पर एक पॉइंट बन रहा है क्योंकि यह हमारा ए हो रहा है, ए डैश और यह बी डैश, क्योंकि यह वीपी है और यह एचपी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वीपी में फिगर बनता है तो उसका नाम स्मॉल लेटर और डैश लगता है, लग गया। और ये यहाँ से जो दूरी हो रही है, ये दूरी हो रही है इसकी एच दूरी हो रही है, इसकी ये दूरी एच दूरी हो रही है, और ये यहाँ से इसकी दूरी जो हो रही है वह वी दूरी हो रही है, क्योंकि इसमें लिखा है वीपी से वी दूरी। क्योंकि आप लोग अपने भी महसूस किए होंगे और बता भी रहे हैं कि जो दूरी एचपी से रहती है वह वीपी में दिखाई देती है, जो दूरी वीपी से रहती है वह एचपी में दिखाई देती है, जो दूरी एचपी से रहती है वह वीपी में दिखाई देती है। तो यहाँ से बी दूरी पे हो गया, और यह नाम जब हम ऊपर से देखे हैं, ऊपर से देखे हैं तो हमें बी दिखाई दिया, लेकिन हम जानते हैं ए भी है, तो ए और बी एचपी में केवल स्मॉल लेटर लगाते हैं, डैश नहीं लगाते हैं, वीपी में स्मॉल लेटर और डैश लगाते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा बन गया और ये हमारी लाइन जो है ट्रू लेंथ हमको मिला, क्या मिला है, ये ट्रू लेंथ हमको मिल गया है, ये हमको यहाँ पे इस लाइन का ट्रू लेंथ मिल गया है। क्योंकि जब ट्रू लेंथ था तभी तो ये जब ट्रू लेंथ था तभी तो हमें जो है इसकी जो है इसके समांतर था बीपी के समांतर था ये टी एल यानी ट्रू लेंथ, ये इसकी ट्रू लेंथ आपको मिल गया, ये ट्रू लेंथ हमारा बना, ये ट्रू लेंथ आपको मिल गया। इस तरह से हम समझ रहे हैं कि ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई, ये हमारे प्रोजेक्शन लाइन है, ये हमारे प्रोजेक्शन लाइन है। एक बार इसे और देख लीजिए, एक बार इसे और देख लीजिए कि
कह रहा है जब रेखा वीपी से बी दूरी पर समांतर, यानी कि पहले समझिए वीपी के समांतर और एचपी के परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन वीपी के समांतर एचपी के परपेंडिकुलर हो गया। अब कह रहा है वीपी से बी दूरी पर, वीपी यह है वीपी से बी दूरी पर हो गया वीपी से बी दूरी पर हो गया ठीक, और एचपी से भी दूर हो जाएगा ऊपर से हो रहा है, तो या तो नीचे करके रखे वीपी से दूरी या ऊपर करके कर रहे हैं तो देख रहे हैं, तो देखते हैं कि जो फ्रंट से आप देख रहे हैं कि जो पूरी लाइन हमारी बन रही है, जो पूरी लाइन हमारी बन गई, और एक्स वाई से कितनी दूरी पे, एक्स वाई से एक्स दूरी पे, इससे कितना दूरी है, एक्स से कितना दूरी है, ये पूरी इसमें बन गई। और टॉप से देख रहे हैं तो वी दूरी पे, टॉप से देख रहे हैं वी दूरी पे हमारा एचपी बना हुआ है, टॉप से देखेंगे तो एक पॉइंट ऊपर का सिर्फ हमने दिखाई दिया और वो हो गया बी डैश ए डैश, वो बन गया ये, और नीचे देखें तो बी बना और ऊपर में बी दिखाई दिया तो बी, और नीचे हमारा ए सीधा है तो ए, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो रहा होगा, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। पहले हम क्या करते हैं, पहले हमको जानना होता है कि हमारा कंडीशन क्या है, जिस ऑब्जेक्ट में है, यानी कि पोजीशन क्या हो रहा है हमारा, एचपी में कितना हो रहा है और वीपी में कितना हो रहा है, पहले यह जानना हमें आवश्यक होता है। एचपी में हमारा एचपी से पहले कह रहा था कि एचपी वीपी में समांतर है, तो वीपी में हमने समांतर किया, एचपी के लंबवत एचपी के लंबवत ही कर दिया, ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के बाद वीपी से बी दूरी, ये वी है वी से बी दूरी, बी दूरी पे हो गया, और फ्रंट से देखेंगे तो ये पूरी फिगर हमें दिखाई दी, ये पूरी फिगर यहाँ पर तैयार हो गया, लेकिन एचपी से जितनी दूरी पे था, एचपी से जितनी ऊंचाई पे था, एचपी से जितनी ऊंचाई पे था वो यहाँ वो जितनी दूरी ये बन गया वह ये दूरी हो गया, लेकिन जब टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से बी दूरी पे था, तो एक्स वाई से बी दूरी पे हमने सिर्फ ऊपर से एक पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट दिखा और हम जो है पॉइंट दिखा, लेकिन वो पॉइंट किसका दिखा, बी का दिखा बी दिखे और ए का नहीं दिखा, ए जो है ए भी है तो हमने ब्रैकेट में ए कर दिया। अब हम ये कर सकते हैं कि ए डैश बी डैश हमारा इलेवेशन हो गया, ए डैश और बी डैश हमारा क्या हो गया, इलेवेशन हो गया, इलेवेशन हो गया, और ए बी और फर्स्ट मान लीजिए हमने ए ले लिया, ये हमारा हो गया प्लान, प्लान ये हमारा प्लान हो गया। इसका एक नाम है और है फ्रंट व्यू और इसका एक नाम है टॉप, फ्रंट पे और टॉप पे, ये इसका एक और नाम है इलेवेशन, यानी कि ट्रू लेंथ जो है वो इलेवेशन हो गया, और ये वही फ्रंट पे भी होता है कि सामने से जो दिखा वो फ्रंट पे, ऊपर से जो दिख रहा है जैसा बन रहा है वो टॉप पे, टॉप व्यू का एक अन्य नाम जो है प्लान, और फ्रंट व्यू का एक और नाम है इलेवेशन। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सी कंडीशन का रहा है। अब हम देखते हैं, अब कह रहा है जब रेखा एचपी में तथा वीपी के लंबवत हो, देखते हैं जब रेखा एचपी में एचपी में तथा वीपी के लंबवत हो, तथा
वीपी के लंबवत हो, वीपी के लंबवत हो, जब रेखा एचपी में था वीपी के लंबवत हो, ठीक। अब देखेंगे इसमें क्या है, एचपी में था वीपी के लंबवत हो, इसमें भी हम देख रहे हैं वीपी से भी दूरी पर, ये स्टूडेंट है वीपी से भी दूरी पर, वीपी से भी दूरी पर ये इंक्लूड है, हाँ। पहले कंडीशन ध्यान दीजिए कि रेखा एक संदर्भ तल के समान नहीं, जब रेखा एचपी में तथा वीपी के लंबवत हो, एचपी में है, एचपी में है, अबे देखिए एचपी में है, यह कंडीशन होता है कि एचपी में है और वीपी के लंबवत है, यह कंडीशन एचपी में और वीपी के लंबवत, एचपी में हो गया और वीपी के लंबवत भी हो गया, ठीक। एचपी में या सेंट्रल प्लेन एचपी और ये वीपी वर्टिकल प्लेन, तो एचपी में हो गया एचपी में और वीपी के लंबवत, एचपी में हो गया और वीपी के लंबवत हो गया, ठीक। यह हुआ, अब देखते हैं कि वीपी से भी दूरी पे हो रहा है, वीपी से भी दूरी पे, अब फ्रंट से देखेंगे, जब फ्रंट से हम देखेंगे वीपी से भी दूरी पर, वीपी या वीपी है, वीपी से भी दूरी पर भी कर दिए, वीपी से भी दूरी पर भी कर दिए, अब जब फ्रंट से हम देखेंगे, अब जब फ्रंट से हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई लाइन पे हमें पॉइंट दिखाई देगा, एक्स वाई लाइन पे एक पॉइंट दिखाई देगा, जब पॉइंट बन गया, आज जब टॉप से देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखाई देगी, इतने पर वी दूरी पर, वी से वी दूरी पे है, एक वी दूरी के बाद से एक हमें यह लाइन दिखाई देगी ए बी का, ठीक। तो इस तरह से ये क्लियर होता है। पहले कह जाइए कि जब रेखा एचपी में तथा वीपी के लंबवत, यानी कि एचपी में समांतर है, एचपी में समांतर है और वीपी के लंबवत है, तो यह कंडीशन हो गया एचपी के समांतर और वीपी के लंबवत, क्योंकि इस कंडीशन में हमें एचपी में पूरी लेंथ मिल रही है, ट्रू लेंथ इसका मिल रहा है, हमें पूरी लेंथ इसकी मिल रही है, तो इसलिए एचपी के समांतर हुआ और वीपी के लंबवत परपेंडिकुलर है, वीपी के लंबवत एचपी का हमने कर दिया, एचपी में कर दिया और एचपी में वी से वी दूरी पर, वी दूरी पर, तो वी दूरी पर भी हमने कर दिया, वी दूरी पर भी कर दिया, वी दूरी करने के बाद से अब हम जब फ्रंट से देखेंगे तो एक्स वाई लाइन पे हमें सीधे पॉइंट दिखाई देगा, एक्स वाई लाइन पे पॉइंट दिखाई दिया और टॉप से जब देख रहे हैं तो एक्स वाई लाइन से वी दूरी पे हमें इस लाइन की पूरी लेंथ दिख रही है, इस लाइन की पूरी लेंथ दिख रही है, जो दिख रहा है वही ड्रॉ कर देना है, क्योंकि अब मूव करता है ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये मूव करता है तो जानते हैं ये मूव करता है नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये लाइन बन जाएगी, यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई लाइन का पॉइंट बन गया, एक्स वाई लाइन के वी दूरी के बाद से हमारी ये लाइन बन जाती है, एक्स वाई की हमारी ये लाइन बन जाती है, तो हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाई, एक्स वाई यानी कि रेफरेंस लाइन मिल जाती है, रेफरेंस लाइन मिल जाती है, अब जब हम सामने से देखे थे तो यहाँ पे यहाँ वीपी हो गया वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन का हो गया, जब सामने से देखें तो हमें एक पॉइंट दिखाई दिया, यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिखाई दिया, जब ये पॉइंट दिखाई दिया किसका दिखाई दिया, बी का और ए का, बी डैश ए डैश हो जाएगा वो पॉइंट, ए पॉइंट का नाम हो जाएगा बी डैश और ए डैश हो गया, ठीक। अब यहाँ से वी दूरी पे एक वी दूरी पे एक्सप्रेशन लगा के वी दूरी हो गया और वी दूरी के बाद से तब हमारी ये लाइन आ रही है, वी दूरी के बाद से हमारी ये लाइन आ रही है, ठीक। यहाँ से इसकी दूरी ये वी दूरी हो गई, ये वी दूरी हो गई, ये भी दूरी हो गई और ये यहाँ से इसका ट्रू लेंथ हमको मिल गया, इस लाइन का पूरा ट्रू लेंथ हमको मिल गया,
ट्रू लेंथ देयर, ट्रू लेंथ आपको मिल गया पे। अब जब यहां है ये, यहां देखेंगे तो इसका नाम यहां पे या ए और या बी हो गया, क्योंकि जब यहां यहां से देखें सामने से तो पहले आपको बी दिखाई दिया, तब ये दिखाई दिया, जो नहीं दिखाई दिया वो ब्रैकेट में है, या ए हो गया और ये बी हो गया। इस तरह से हमारा ये यह हो गया। कोई कंफ्यूजन ना हो एक बार और से इस तरह से लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल एचपी और ये हमारा वर्टिकल प्लेन वीपी हो गया। ठीक कह रहा है कि एचपी में, तो एचपी में हमने रख दिया, एचपी में और वीपी के, एचपी के समांतर हो गया या एचपी के समांतर हो गया और वीपी के लंबवत हो गया, ये कंडीशन वीपी के लंबवत हो गया। अब कह रहा है वीपी से वी दूरी, या वीपी है वीपी से मैंने वी दूरी पर से कर दिया, वी दूरी पर कर दिया, वी दूरी पर कर दिया। वी दूरी पर करने के बाद से अब हम देख रहे हैं फ्रंट से देखेंगे तो हमें सिर्फ यहां से ए और बी, ए और बी लाइन ए और बी, या बी का हमें सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है जो यहां पर आ रहा है, तो बी डैश ए डैश जो वीपी में बी डैश इसका लाइन बी डैश और इसका और जानते हैं जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वह ए डैश हो गया, ए डैश बी डैश। लेकिन जब टॉप से हमने देख रहे हैं तो एक्स वाई लाइन से बी दूरी पे, एक्स वाई लाइन से बी दूरी के बाद से हमें ये सिर्फ यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक्स वाई लाइन के बाद से वी दूरी के बाद से हमें यह लाइन दिखाई दे रही है, पूरी लाइन दिखाई दे रही है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। तो यह पूरी लाइन हो गई या यहाँ से वी दूरी पे हो गया और यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है फ्रंट पे हो गया, ये हो गया ए डैश और बी डैश और ए डैश हो गया। अब हम यहाँ पे दिखा देंगे कि बी डैश ब्रैकेट में ए डैश हमारा हो गया इन्वर्सन, इन्वर्सन हो गया और ए और बी क्या हो गया हमारा प्लान, प्लान हो गया। इसका एक और नाम इन्वर्सन का एक नाम फ्रंट व्यू और एक नाम इसका प्लान का टॉप व्यू। ठीक इस तरह से हमारा एचपी में तथा वीपी के लंबवत, जब कोई एचपी में या वीपी में होता है तो इसका मतलब हुआ एचपी में बैठा है, एचपी में लेटा है, एचपी में है या मान लीजिए, तब जो है उसकी जो फिगर एक बनेगी एचपी में है तो उसकी फिगर फ्रंट से देखेंगे तो एक्स वाई लाइन आएगा, वीपी में है तो ऊपर से देखेंगे तो उसकी एक्स वाई लाइन की फिगर आएगी। इस बात को ध्यान में आप लोग रखें। इस तरह से ये क्लियर हुआ। अब आप लोग नेक्स्ट पूछते हैं, यह हो गया। इसके बाद से अब हम नेक्स्ट पूछते हैं ये कंडीशन के बाद से, या आप लोग क्लियर करते जाइएगा ताकि एक एक जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कंडीशन हमें ट्राई में बन रही है उसी कंडीशन को हमें ड्रा करना होता है, उसी कंडीशन में हमें ड्रा करना होता है, सोचना होता है, जितना इमेज कर सकते हैं सबके लिए बात से हमें जो दिखाई देता है हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब रेखा वीपी में था एचपी के लंबवत हो, जब रेखा वीपी में जब रेखा वीपी में तथा एचपी के लंबवत, इसमें भी
इसमें भी जो है एच क्लोरीन पे, इसमें भी जो है यह एच क्लोरीन पे है, एचपी से एच क्लोरीन पे, एचपी से इसमें भी एच क्लोरीन होगा। अब इसमें भी पहले पार्टिकल जानते हैं कि वीपी में यानी कि वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में लेटा है और वीपी एचपी के लंबवत है, एचपी के लंबवत है। देखिए वीपी में है या कंडीशन हो गया क्या, वीपी में है और एचपी से एचपी के लंबवत हो गया। देखिए वीपी में है और एचपी के लंबवत, ये कंडीशन जो हो गया, ये कंडीशन जो हो गया वीपी में हो गया और एचपी के लंबवत हो गया, एचपी के लंबवत हो गया। क्या है अब इसमें जो है आप जानते हैं कि एचपी से एच दूरी पर भी इनपुट है, एचपी से एचपी से एच दूरी, तो एचपी से एच दूरी कर देते हैं तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। फ्रंट से जब देखेंगे, फ्रंट से जब देखेंगे तो हमें ये पूरा फ्रंट भी दिखाई देगा, ये लाइन और वी दूरी पे, एच दूरी पे, एच दूरी पे हमें यहां से ये एच दूरी हो गया, एच दूरी पे हमें ये पूरी लाइन दिखाई दे और एक्स वाई लाइन से एच दूरी के पास से हमें पूरी टू लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रंट से जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक्स वाई लाइन पे एक पॉइंट दिखाई देगा बी और ए का, बी और ए का प्रॉफिट देखेंगे, बी और ए का हमें ये या बी और यह ए पहले बी दिखाई दे रहा है तो एक्स वाई लाइन पे उसके पॉइंट में दिखाई दे देती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसको ड्रॉ कर देते हैं, या तो एक बार से भी देख लीजिए। वीपी में है पहले कंडीशन जान लीजिए कि वीपी में तथा एचपी के लंबवत, तो ये कंडीशन वीपी में हो गया और एचपी के लंबवत भी हो गया, ये कंडीशन हो रहा है वीपी में और एचपी के लंबवत, वीपी में एचपी के लंबवत हो गया। अब एच दूरी पर कर ले रहे हैं, एच दूरी कर ले रहे हैं तो सामने से देखेंगे तो हमें ये फ्रंट व्यू इसका पूरी लेंथ दिखा देगी, यानी कि एक्स वाई लाइन से एच दूरी पे हमें यह एक्स वाई लाइन से एच दूरी पे हमें पूरी लेंथ दिखाई दे रही है लाइन के, और टॉप से हम जब देख रहे हैं तो एक्स वाई लाइन पे एक पॉइंट सा दिख रहा है, एक पॉइंट सा दिख रहा है। ठीक, अगर आपको जो है इस दीवार को वर्टिकल प्लेन मान लें और इस फर्श को हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लें, इस दीवार को वर्टिकल प्लेन और इस फर्श को हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेते हैं तो क्या कहेंगे कि मान लीजिए कि हमारा लाइन है ए और बी, ए और बी ये लाइन है। ठीक है, तो देखेंगे वीपी में है, वीपी में है और एचपी से एच दूरी पे है, वीपी में है और एचपी से एच दूरी पे है, यह वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन जहां पे ये दोनों लाइन मिल रही है, जहां पे कॉर्नर बन रहा है, जहां पे इसमें कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर जो बन रहा है एच वाई लाइन हो गया, उस एच वाई लाइन पे, उस एच वाई लाइन पे हम देख रहे हैं कि एक्स वाई लाइन से एच दूरी पे, एक्स वाई लाइन से एच दूरी पे, यानी कि वीपी में एचपी से एच दूरी पे, एचपी से एच दूरी पे हम देख रहे हैं कि हमें ट्रू लेंथ दिखाई दे रहा है, और एचपी से एच दूरी पे ट्रू लेंथ हमको वीपी में दिखाई दे रहा है। आज हम फ्रंट से हम देखेंगे तो उसी एक्स वाई लाइन पे हमें सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा, ये पॉइंट दिखाई देगा ऊपर का। तो इस तरह से जो इमेज होता है, जो सोचते हैं वो ड्राइंग हम यहाँ करते हैं, जो बनता है उसी को यहाँ पे हमें ड्रा करना होता है। तो हम ड्रा करते हैं, देखते हैं, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, एक्स वाई का एक और नाम है रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस ना सीधी लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन होती है, एक्स वाई हो गया। अब हम देखता है कि यह वीपी वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल एचपी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं, देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि वीपी में, वीपी में देखिए कह रहा है कि वीपी में एचपी के लंबवत, तो वीपी में या एचपी के लंबवत, तो वीपी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पूरी लेंथ दिखाई दे रही है वीपी में, तो पूरी लेंथ हम बना देंगे, ये पूरी लेंथ हमारा बन गया, पूरा ये बन गया। अब एचपी से एच दूरी पे, तो यहाँ से एच दूरी पे है,
इसकी प्रोजेक्शन लाइन आपकी से आ जाएगी, प्रोजेक्शन लाइन आ जाएगी ये यहां से, ये एच डिग्री पे हो गया, यहां से ये एच डिग्री पे हो गया और ये इसका ट्रू लेंथ मिल जाएगा, ये इसका ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ मिल गया और इसका नाम ए डैश और ये बी डैश हो गया। लेकिन जब फ्रंट से हम देख रहे हैं इसे, लेकिन देखिए ये था यहाँ से इसका लेंथ दूरी था तो ये बना फ्रंट व्यू बन गया। अब जब टॉप से हम देखेंगे तो ये हमें बी का पॉइंट दिखाई देगा, इसे बी का पॉइंट दिखाई देगा जो एक्स वाई लाइन पे बनेगा, एक्स वाई लाइन पे बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, एचपी के भी ये यहाँ पॉइंट बन जाएगा। अब दिख क्या रहा है हमें, बी दिखाई दे रहा है, हमें बी दिखाई दे रहा है लेकिन ए नहीं दिखाई दे रहा, टॉप से देख रहे हैं तो बी दिखाई दे रहा है तो बी आ गया लेकिन हमें ए नहीं दिखाई दे रहा है, ए है इसलिए ब्रैकेट में हमने ए कर दिया। अब हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बना सकते हैं कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश माना हो गया है इलिवेशन, इलिवेशन और बी और ए हमारा हो गया प्लान, प्लान इसका एक नाम और फ्रंट व्यू, इसका एक नाम है टॉप। तो इस तरह से हमारा ये ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसको एक बार और देख लीजिए, इसको एक बार और देख लीजिए, हाँ देख लीजिए इस तरह से दिखाते हैं। ये वीपी में है, वीपी में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है वीपी में है और एचपी से एच दूरी पे, ये एचपी है, एचपी से एच दूरी है। फ्रंट से आप देखें तो ये पूरी लाइन आई, पूरी लेंथ आ गई, पूरी लेंथ आ गई और टॉप से देखें तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिखाई दिया, ऊपर का हमारा ए है, ऊपर का हमारा बी है, नीचे का ए है, तो हमें बी और ए की पॉइंट दिखाई दी, बी और ए की पॉइंट दिखाई दी, ये बन गया। और टॉप फ्रंट से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं तो ये पूरी लेंथ आपको दिखाई दी और कितनी दूरी पे, यस दूरी पे, यस दूरी पे दिखाई दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर हुआ, इस तरह से ये हमारा क्लियर हुआ। सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हमारा किस कंडीशन में है, उस कंडीशन को जानना, उस कंडीशन में हमें जाते हैं, जान लेते हैं कि पहले कह क्या रहा है, असल क्या क्या रहा है, कि पैरेलल कर रहा है दूसरे के, पहले प्लान के एचपी और बीपी के पैरेलल कर रहा है या फिर एक प्लान एचपी या बीपी किसी एक प्लान से हमको पैरेलल कर रहा है दूसरे के लंबवत कर रहा है, ये हमें ध्यान देना होता है। दो कंडीशन, एक कंडीशन दोनों के पैरेलल, दोनों के समांतर कर रहा है ये जानना, या फिर किसी एक प्लेन के समांतर कर रहा है और दूसरे के लंबवत कर रहा है। अगर एक कंडीशन होता है दोनों के समांतर हो जा रहा है, अब कह रहा है कि किसी एक प्लेन के समांतर, एक प्लेन के समांतर यानी कि एक प्लेन के समांतर, ये एक प्लेन के समांतर है यानी कि एचपी के समांतर है और वीपी के परपेंडिकुलर है, या फिर ये कंडीशन हो रहा है वीपी के समांतर है और एचपी के परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन जानने के बाद से तब हमें जानना होता है कि इस लाइन को कितने दूरी पे रखा गया है एचपी से या कितने दूरी पे वीपी से रखा गया है, इसके जानने के बाद से तब हम जो है जो हमें दिखता है वो हमें बना देना, उसे ड्रा कर देना होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा, इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि एक सिरे से एक प्लेन के समांतर और दूसरे के लंबवत। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि दोनों प्लेन के समांतर, एचपी के भी समांतर और वीपी के समांतर। आज हम लोगों ने देखा है कि एचपी के एक प्लेन एचपी या वीपी के समांतर, एचपी या वीपी के लंबवत, इस तरह से हम लोगों ने देखा है। एचपी और वीपी के लंबवत हम लोगों ने देखा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट
इसके बाद आप लोगों को आगे बताया जाएगा। ये जितना बताया गया है आप इसे स्वयं देखेंगे समझेंगे ताकि आप लोगों को जो है क्लियर हो जाए।